पर तो आपका है। दीजिए अब। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो बाबू काइट्स क्या, बाबू काइट्स क्या, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है काइट्स, कुछ नहीं है, सिर्फ एलकेजी का सिलेबस है, कुछ नहीं करना। एगो पतंग बनाना, पतंग देखे हो ना, वो पतंग देखे हो ना, मिला ही नहीं मार्केट में, नहीं तो पतंग ला कर दिखाते भी आपको, है ना। ठीक है, वो कैसे हम लोग पतंग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं सर, है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके होता है ना बाबू, ऐसे करके होता है। आज छोड़ो, रहने दो, सिंपल सा बात समझो, ठीक है। देखो काइट कैसे होता है, इसी डायगोनल को, इसी डायगोनल को थोड़ा सा ऐसे होता है, काइट कैसे होता है, इसी शेप का काइट होता है ना, इसी शेप का काइट होता है कि नहीं, है ना। ठीक है बाबू, ये पतंग हो गया, है ना। तो पतंग को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे, काइट कहेंगे, है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे कर्व लाइन नहीं ड्रा करेंगे, यहाँ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, थोड़ा सीधा ड्रा करेंगे, है ना। ठीक है बाबू, तो काइट मेरा काइट रहे बाबू, चाहे पैरेललोग्राम रहे, चाहे स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल, सारा का सारा किस परिवार का बाबू, किस परिवार का बाबू, ये समझ लिए, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल परिवार का, सारा किससे बिलोंग्स कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल से बिलोंग्स कर रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर, क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, चार गो साइड होगा, चार गो साइड होगा, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, है ना, वो फोर साइड है ना, फोर साइड से। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। तो फोर साइड में बाबू अगर दो गो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब क्या बाबू, पड़ोसी, एडजेसेंट का मतलब क्या, पड़ोसी, पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कौन सर, ये भी है और ये भी है, तो इसका पड़ोसी हम लोग ये वाला लेंगे, है ना, ये वाला लेंगे। ठीक, ये दोनों क्या बाबू, एडजेसेंट साइड है, ठीक है सर, और इसका पड़ोसी ये दोनों ले लेंगे, है ना। अगर इसका पड़ोसी इसको ले बाबू तो आपको फिर शेप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अगर इसका पड़ोसी इधर बनाओगे तो शेप आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना बाबू। तो जिसका एडजेसेंट साइड बाबू आपस में क्या रहे, इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब क्या सर, इक्वल कहने का मतलब क्या बाबू, मान लो बाबू ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये मान लो बाबू 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इक्वल कहने का मतलब यही होता है ना। तो जिसका बाबू एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो बाबू, इक्वल हो, है ना, एडजेसेंट, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में, तो वैसे वैसे क्वाड्रिलेटरल को, चार गो साइड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो काइट कहेंगे, काइट कहेंगे, है ना। इसका नाम क्या पड़ेगा, काइट पड़ेगा, है ना। तो कुछ नहीं है डिफिनेशन में, कुछ नहीं, सब एलकेजी का कुछ है बाबू, है ना, वो क्या बाबू, कुछ नहीं है, है ना। एक क्वाड्रिलेटर इन में जो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना, ये साइड आपस में क्या इक्वल है, तो वही लिखें बाबू, ए बी, ए बी अब बराबर क्या लिखें, ए डी लिखें। ठीक, नेक्स्ट बाबू बी सी, ठीक, अब बराबर कितना लिखें, डी सी लिखें। बी सी बराबर कितना लिखें, डी सी लिखें, है ना बाबू। बी सी बराबर कितना लिखें, डी सी लिखें, ना, बी सी बराबर कितना लिखें, डी सी लिखें। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बाबू, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, कहाँ यूज होगा, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ यूज होगा। देखो जो काइट है मेरे लाल, काइट है मेरे लाल, काइट है ना, काइट है, तो ध्यान देना, जो छोटका डायगोनल पे एंगल बन रहा है ना, वो छोटका डायगोनल, ये आपको बड़ा वाला डायगोनल नहीं दिख रहा है, एसी में रखा है, बड़ा डायगोनल है ना बाबू। डायगोनल तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, डायगोनल तो हम बहुत बार डिफाइन कर चुके हैं ना, डिफाइन कर चुके हैं ना, वो डायगोनल तो डिफाइन कर चुके हैं ना। तो बड़ा डायगोनल ये है बाबू, बड़ा डायगोनल ये है, हाँ सर, बड़ा डायगोनल तो यही है, यही ना बड़का गो। और छोटका कौन है सर, छोटका स्मॉलर डायगोनल कौन है, स्मॉलर डायगोनल कौन है बाबू, ये वाला स्मॉलर डायगोनल है ना, बीडी मेरा क्या छोटा नहीं दिख रहा बाबू, दिखने में भी लग रहा है ना। तो जो छोटा डायगोनल में बाबू, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, पहला प्रॉपर्टी यही कहता है ना बाबू, वही लिखा है ना, वो वन पेयर ऑफ बाबू अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल मत ले लेना, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉलर डायगोनल एंगल, है ना, स्मॉलर डायगोनल मतलब छोटका जो डायगोनल वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। इक्वल का मतलब क्या बाबू, इक्वल का मतलब क्या, इक्वल का मतलब बाबू मान लो अगर ये 50 डिग्री है मेरे लाल, ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा, है ना, ये भी 50, ये 50, तो ये भी मेरा कितना होगा, 50 डिग्री होगा, है ना, 50 डिग्री होगा ना वो। तो वही बाबू एंगल बी बराबर क्या सर, एंगल डी, ये एंगल जितना होगा वही एंगल क्या होगा, वो उतना एंगल क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट बाबू, और ये जो बड़ा डायगोनल वाला एंगल है ना, वो इक्वल नहीं होगा, बड़ा डायगोनल वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, है ना। बड़ा डायगोनल कौन सर, ये वाला एंगल आपका इक्वल नहीं होगा, ये वाला एंगल आपका इक्वल नहीं होगा, है ना, एंगल इक्वल नहीं होगा, है ना। ये नहीं कर देना सर, ये इक्वल है तो इक्वल होगा, वो इक्वल नहीं होगा, है ना, बड़ा डायगोनल का एंगल इक्वल नहीं होगा। तो वही यहाँ लिखा, ए और सी बराबर नहीं होगा, एंगल ए मतलब कौन सा सर, ये वाला, है ना, और एंगल सी का मतलब कौन, ये वाला, रोम्बस की तरह होता है। हाँ मेरे लाल, रोम्बस का बाबू अपना प्रॉपर्टी है, रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते मेरे बाबू, है ना, वहाँ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा से बनाते, बड़ा से बनाते, बड़ा से बनाते, है ना, बड़ा से बनाते हैं ना, ठीक, बड़ा से बनाते, बड़ा से थोड़ा सा बना देते हैं ताकि आपको अच्छा से विजुलाइज हो जाए सर। बड़ा से कैसे बनते सर, अरे फिगर डायग्राम बड़ा बनाते बाबू, बड़ा से कैसे बनाते, सही था, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको बाबू बिग बना देते हैं, ताकि अच्छा से विजुलाइज हो सके, है ना बाबू, आगे बड़ा टर्मिनोलॉजी हम समझा सके, है ना। काइट क्या होगा वो, काइट क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा बाबू, एडजेसेंट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ठीक बाबू, ये हो क्या,
है ना, यही बाबा आपका काइट हो गया, सात तिरछा हो गया। ठीक, ये बाबू क्या होगा, लॉन्गर डायगोनल हो गया, और ये हो गया स्मॉलर डायगोनल। ये वर्टिक्स क्या हो गया, ए हो गया, ये वर्टिक्स बी हो गया, ये वर्टिक्स क्या हो गया, सी हो गया, ये वर्टिक्स क्या हो गया, डी हो गया, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता सर, ये जो एंगल है और ये जो एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल, एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल नहीं होगा, एंगल ए और सी आपस में इक्वल नहीं होगा, है ना, आपस में इक्वल नहीं होगा। मन से पढ़ना, मन से पढ़ना। किसका किसका वीडियो बंद है, सीता अदित्री, चलो ठीक है, श्रुति बाबू ऑन करो, अंशजीत इसको तो कूट देंगे। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ए सी इज बाबू परपेंडिकुलर टू बी डी, है ना बाबू। अब यहाँ पे हम समझना, एक डायगोनल मेरा ये है बाबू, बी डी है, और दूसरा डायगोनल क्या, ए सी है। तो जो बाबू ए सी डायगोनल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा ये एक बात ध्यान देना, जब भी बाबू वर्ड को यूज करे परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर या बाबू नॉर्मल, है ना बाबू नॉर्मल, या बाबू क्या राइट एंगल, राइट एंगल, ये सारे का मतलब होता है 90 डिग्री। ये सारे खानदान का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये सारे परिवार का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, है ना। अच्छा लिखना, रुको लिखना, सुंदर से लिखना, है ना बाबू, कहीं भी बाबू इसको ध्यान रखना, कभी भी बाबू कोई वर्ड अगर यूज कर रहा है परपेंडिकुलर, चाहे नॉर्मल चाहे राइट एंगल, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 90 डिग्री। ये ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, ये थोड़ा सा इसको लिख देते, सुंदर से लिखना है, है ना। ठीक, वो कहने का मतलब क्या बाबू, कहीं भी कोई बाबू क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर को हम लोग सिंबल में एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे इंडिकेट करते हैं, या बाबू क्या हो जाए बाबू, नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे। ठीक, और क्या रहे बाबू, राइट एंगल रहे, राइट एंगल रहे, राइट एंगल रहे, है ना। ठीक बाबू, ये सारे का काम बाबू, ये सारे का काम बाबू, बादल बना लो, है ना, ये सारे का मतलब क्या होता है बाबू, ये सारे का मतलब होता है मेरे लाल 90 डिग्री। सारे का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर नॉर्मल राइट एंगल, सारे का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सारे का मतलब क्या होता है बाबू, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो वही कह रहे बाबू, जो एसी डायगोनल है, जो डायगोनल एसी है, ये एसी है, ये बीडी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे कैसे एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना, 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही का, ये बाबू परपेंडिकुलर का सिंबल है, एसी परपेंडिकुलर बीडी, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, एसी एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अरे वन लिखता है ना मेरे लाल, वन लिखता है कि नहीं लिखता, इसी को वन को उलट दो, वन से यहाँ पे हटा दो, बस वन लिखता है, इसे थोड़ा सा आगे वाला नॉब हटा दो, है ना, तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, हाँ बाबू, टीक अपोजिट, टीक अपोजिट कर दो, सबसे बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, है ना। तो जो ये एसी लाइन होगा बीडी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ओबी बराबर ओडी, अब शांति समझना, ये जो छोटका डायगोनल है, ये छोटका डायगोनल है कौन सा है सर, बीडी, छोटका डायगोनल जो है बाबू, छोटका डायगोनल जो है बीडी, है ना, छोटका जो डायगोनल है बाबू, छोटका प्रखर बाबू का है, ऐसे कैसे प्रखर, तब प्रखर शैतान है दम, सब जीत कहाँ, क्या चल रहा था ये बाबू, रेड ग्रीन ब्लू येलो यही सब चल रहा था, नहीं सर वो नहीं। चलो ठीक है, जो छोटा वाला डायगोनल है सर, कौन सा सर, बीडी, छोटा डायगोनल कौन है, बीडी। तो ये दोनों जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा, जो छोटका डायगोनल है ना बाबू, वो आपस में इक्वल होता है, इक्वल होता, मतलब क्या सर, ओ बी, छोटका डायगोनल बीच में पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है ना बाबू, हाँ सर, तो बी ओ, और यहाँ से मान लो इस पॉइंट को हमने कितना माना, डी माना, तो बी ओ ओ डी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बी ओ ओ डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको अभी हम लोग यूज करेंगे कहाँ, क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, है ना, क्वेश्चन बनाने में, तो बी ओ ओ डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। काइट का जो छोटका डायगोनल है, स्मॉल वाला डायगोनल है ना, वो बाइसेक्ट होगा, मतलब ये जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये होगा, है ना, और ये वाला बराबर नहीं होगा, ये लेंथ आपस में बराबर नहीं होगा। बड़का डायगोनल बराबर मत कर देना, छोटका डायगोनल का एंगल इक्वल होगा, छोटका डायगोनल क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा, है ना, बाइसेक्ट करेगा इक्वल लेंथ का। ठीक, नेक्स्ट होगा, तो वही लिखे, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर कितना, ओ डी, ओ बी बराबर कितना, ओ डी, है ना, ओ डी, है ना बाबू। और ए ओ नॉट इक्वल टू ओ सी, ए ओ नॉट इक्वल टू ओ सी, है ना, ए ओ नॉट इक्वल टू ओ सी। ठीक हो, नेक्स्ट हो, डायगोनल ऑफ ए सी बाबू बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो बड़का डायगोनल है कि एक वो खाली काम करता है सुंदर सा, ये जो बड़ा वाला डायगोनल है बाबू, ये जो एंगल है इसको क्या करता है, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, बस यही काम है।
ये जो बड़ा वाला डायगोनल है मेरे लाल, जो बड़ा वाला डायगोनल है, ये जो एंगल एंगल ए बन रहा, एंगल ए बन रहा, उसको क्या करता, आधा आधा में डिवाइड कर देता। माने मानो ना कि मान लो ये अगर 50 डिग्री है मेरे लाल, है ना, बड़ा वाला एंगल 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल वो कितना बनेगा, 25 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 25 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 25 डिग्री बन जाएगा, 25 डिग्री बन जाएगा, है ना, वो 25 डिग्री। तो पॉइंट्स एंगल सी भी तो करता होगा। हाँ मेरे लाल, तो मान लो ये एंगल बाबू, ये एंगल मान लो बाबू 80 डिग्री है ना, तो ये भी बाबू क्या करेगा, ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। ये जो एसी लाइन है बाबू, है ना, एसी जो लाइन बाबू, इसके एंगल को आधा आधा पार्ट में बांट देगा। मान लो टोटल 100 है तो 50 इधर, 50 इधर, इधर मान लो कि टोटल 75, टोटल 80 है तो 40 इधर, 40 इधर, है ना, 40 और 40, यही लास्ट पॉइंट है। डायगोनल ऑफ एसी बाबू बाइसेक्ट द एंगल ए एंड एंगल सी। कटनी न रहा है, नहीं कट रहा है ना, बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी, है ना बाबू। तो ये वाला खाली वो पॉइंट आप लोग लिख लो, बादल बना के, है ना, बादल बना के लिख लो ताकि अच्छा लगे इसको, है ना। तो उसको डब्बा में बंद कर दिया। हाँ, डब्बा में बंद करके इसको लिख लो, उसके बाद अब फॉर्मूला बताते हैं ना। पेरीमीटर आपका काइट नहीं, काइट नहीं बनाना है, काइट तो बना हुआ है ये ना था। फॉर्मूला बताते हैं, पेरीमीटर और एरिया, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, फिनिश हो जाएगा। फिर फिजिक्स का सिलेबस लिखाते हैं, सिलेबस लिखा देते हैं जिसको जो। अरे मेरे लाल कहाँ थे बाबू, वीडियो देख लीजिएगा बाबू, छूट गया ना, वैसे छूटा नहीं है, यहाँ से था वन नंबर, छूटा तो नहीं है सर, वन नंबर लिख लिया सर, लिख लिया, लिख ली थी बाबू। चलो ठीक है, तो काइट का एक डायग्राम बना लो। इस तरह से सर, इसके पहले भी कुछ किया था? नहीं मेरे लाल, फॉर्मूला खाली डिफाइन किया था। हम ज्यादा लिखाते कहाँ, ना होमवर्क देते ना लिखाते, कुछ तो नहीं करते आप लोग के लिए। फिर भी मेरा वाला नहीं बाबू, अलीसा भी आई, ए बी सी डी हो गया और ई ओ हो गया। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो, फिर बाबू फॉर्मूला बताते हैं। छानवे 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 साल नहीं, देखो देखो शैतान का शुरू हो गया ये सब बाबू खाली बस। हाँ बाबू बोलिए सर, ये बैच ए थोड़ा 6-7 और बैच बी 7.5-8.5 कर सकते हैं? हाँ सर, कर दीजिए तो प्लीज। बैच ए 6-7? यस सर। यस सर, इसका टाइमिंग सर कर दीजिए, बैच ए का टाइमिंग। हाँ सर, 7.5 को कर दीजिए बाबू। अभी पढ़ो ना कुछ दिन बाबू, फिर देखते हैं टाइम। खेलने का टाइम मिल जाएगा। अरे तो बैच ए में बाबू बहुत सारा स्टूडेंट 7 बजे हुआ ट्यूशन पढ़ के आता है, जैसे इतना सारा 30 स्टूडेंट हो, अब बैच ए का स्टूडेंट है वो 6 बजे से करने के लिए तैयार होगा तब ना मेरे लाल, बार बार टाइम चेंज करने से बाबू प्रॉब्लम ये होता है ना। अरे सर, अच्छा पहले पढ़ पढ़ किए, ठीक है बाबू, सोचा जाएगा आपके बात पिछड़। अरे शैतान, बैच ए बैच को एक को 6-7 करेंगे सौम्या, तो आपको खेलने का टाइम कहाँ मिलेगा, फिर तो वही बात है बाबू। नहीं सर, मुझे खेलने का टाइम नहीं चाहिए, मैं बैच भी छोड़ूंगी। चलो ठीक है, लिखो पहले जल्दी से। लिख लिए सर, कर दीजिए सर। बाबू पहले आप कुछ दिन पहले समर वेकेशन आने दो, उसके बाद देखते बाबू। बार बार टाइम बाबू इशू होता है बाबू, सारे हमको एक टाइम चेंज करने में जानते हैं, हम एक महीना पहले हमको सोचना पड़ता है। क्या इशू बाबू, सारे स्टूडेंट का सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मान लो बैच ए है बाबू, उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट 7 बजे पढ़ ही के आता है, आपको आप लोग के लिए हमको चाहिए 1.5 घंटा का टाइम। उसके बाद इसमें देखो हमारी अदिति है, जानवी दास है, इसका होमवर्क का इशू होता है, 7:30 बजे होमवर्क बनाती ही बनाती है, समस्या ये है, ये सब 9 बजे तक पढ़ेगी नहीं, टिकेगी नहीं, वो नहीं करती है बाबू, नहीं करती है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, सारे बच्चे को सेटिस्फाई कर करके टाइम चेंज करना पड़ता है। कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे। अभी तो चेंज ही हुआ, कम से कम एक टाइम पे बार बार टाइम चेंज करने से वो दिक्कत होता है, पेरेंट्स सब कहेंगे सर पढ़ाई लिखाई हो जाएगा ना सर, तो आप बैच ए का टाइमिंग आप सुबह में कर दीजिएगा सर, तब कर दीजिएगा ये लोग का टाइमिंग। हाँ, सुबह में करेंगे तब थोड़ा सा स्कूल होने दो ना, बंद होने दो ना स्कूल सबका। सर कितना दिन बाकी स्कूल बंद होने में, मुश्किल से 20 दिन होगा। हाँ तो अच्छा ठीक है 20 दिन तो पहले पढ़ो ना, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट बाबू फॉर्मूला ऑफ काइट बाबू,
पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना, बार बार टाइम चेंज करने से बाबू ये होता है ना, थोड़ा सा इश्यू हो जाता है बाबू, है ना, आपका बाबू भाई लोग घट जाएगा, है ना, मम्मी पापा बोलेंगे, सारे पेरेंट्स बोलेंगे सर खाली टाइम चेंज होता, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। जैसे आपके साथ आपके मन के अनुसार नहीं ना चलता, वो आपके साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं ना, तो सीधे हम फोन करेंगे सर कि एक ऐप खाली इंस्टॉल करवाए हैं, कौन सा ऐप, टीचमेंट, जिसके लिए चार बार फोन आया, क्या सर खाली ऐप चेंज होता है, ऐप चेंज होता है। तो कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है। नेक्स्ट बाबू फॉर्मूला ऑफ काइट, तो पहले हम लोग पेरीमीटर पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ काइट। तो पेरीमीटर ऑफ काइट क्या सर, किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना रहेगा तो बाउंड्री का लेंथ निकालना, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, वो कुछ नहीं है, है ना, कुछ नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक काइट बनाते हैं, एक काइट बनाते हैं ना, उसका पेरीमीटर अगर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना बाबू, उसका पेरीमीटर अगर निकालना, धर्मवीर बाबू समझ में आ रहा है, सम ऑफ ऑल साइड, यस, चलो लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, Yes, समझ में आता बाबू? Yes, हाँ बाबू, ऐसा क्लास कहीं मिलेगा बाबू, आपका स्कूल छूट गया, कोचिंग छूट गया, लक्ष्मी यहाँ आई तो बाबू, लेकिन मेरा क्लास चलते है, आने वाले समय बहुत फेमस होंगे, ठीक है। ये बाबू क्या, मेरा काइट है, काइट है, काइट है, क्या बाबू, काइट है, काइट है, काइट है, काइट है, एबीसीडी काइट है, है ना बाबू। तो आपको हमने काइट में क्या बताया बाबू, एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता। तो मान लो अगर ये साइड ए है मेरे लाल, ये साइड ए है बाबू, तो इसका भी साइड लेंथ क्या होगा, ए होगा ना बाबू। एडजेसेंट साइड जब इक्वल होता बाबू, तो ये मान लो ए सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा, ठीक सर। नीचे वाला को कुछ मान लो, नीचे वाला को कुछ मान लो, नीचे वाला साइड को अगर बी मान लेते बाबू, बी मान लेते हैं ना, इसका लेंथ होगा ना बाबू, मान लो बी मान लो, तो जब ये बी है सर, ये बी है बाबू, तो ये भी क्या होगा, बी होगा, है ना, ठीक है, ये भी क्या होगा, बी होगा, ठीक, ठीक बाबू, अच्छी बात है ना। तो पेरीमीटर ऑफ काइट क्या होगा बाबू, सम ऑफ ऑल साइड, मम्मी तो यही पढ़ाई, पेरीमीटर किसी भी फिगर का रहेगा, बाउंड्री का लेंथ निकाल दो, तो कितना है, ए है सर, प्लस क्या बाबू, बी है, प्लस क्या बाबू, बी है, अब प्लस बाबू क्या है, ए है ना, लेंथ होगा ना कुछ बाबू, तो यूनिट मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर में है ना बाबू, हेक्टोमीटर कुछ आएगा, हम लोग यूनिट मान लें, यूनिट है ना, ठीक। ए को ए, ए को ए एक साथ लिखो, ए प्लस ए, अब बी को एक साथ लिखो, बी प्लस बी, कितना होगा, यूनिट, यूनिट के जगह बाबू कुछ हो सकता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर कुछ भी हो सकता है ना, तो जैसा रहेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। ए प्लस ए मम्मी क्या पढ़ाई है, टू ए, बी प्लस बी प्लस टू बी, टू बी, तो टू यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। तो पेरीमीटर क्या हो गया बाबू, 2 into a plus b हो गया, मैंने कुछ कुछ कैसा सर, रेक्टेंगल के जैसा, लिखो लिखो एरिया बताते हैं, मतलब वो डायग्राम ही बना लेंगे, हाँ मेरे लाल डायग्राम भी बनाना है। अनुज अंकित जानवी शर्मा, अब देखो सर सेदान सारा का वीडियो दाना दाना ऑन होगा, अलीसा खाली एक वो नहीं आई ना, स्मिता नहीं आई है, चलो अच्छी बात है, एक अस्मिता रह गई। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, एरिया ऑफ काइट, हम लोग ऐसा सिलेबस पढ़े बाबू कि सारे के लिए वैलिड रहे, सारे के लिए ऐसा सिलेबस डिजाइन करो कि सारे सारे स्टूडेंट के लिए यूज हो जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मान लो लाइट या फिर इंग्लिश टीचर को रख दीजिए, हाँ इंग्लिश रखेंगे बाबू, इंग्लिश रखेंगे, आपसे ज्यादा हमको जरूरी हो रहा बाबू, हाँ बाबू, तो टाइमिंग पहले इंग्लिश टीचर से पूछेंगे, फिर इतने हम देखो शाम को 3 बजे से रात के 9:30 बजे तक एकदम इंगेज हैं, इस बीच हमको कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, एकदम कंटिन्यूअस क्लास है, खाली 5 से 6 वो गैप है, वो भी 20 मिनट गैप,
बीस मिनट गैप। अरे मेरे लाली सब तो बाबू रो रहा है, भैया रो रहा है, अच्छे से कर रहे हैं जो, तो रो रहा है, खेलने नहीं जाते, ये नहीं जाता, सालनी पढ़ पाएगी बताओ तो उसको। खेलने का सर इतना क्या है सर, हम लोग यहाँ पे खेलने को मिलता नहीं, आधा घंटा बाहर चले जाओ सर, मम्मी अंदर से चिल्लाने लगे सर, वो लोग खेलने का इतना। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बात छोड़ो, हम लोग एरिया निकालेंगे, हम लोग काइट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है वो, एरिया बहुत बार बता चुका है ना, किसी भी फिगर का एरिया क्या हो, वह कितना रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना रीजन घेर रहा है, कितना रीजन क्या कर रहा है, घेर रहा है ना। जैसे मान लो बाबू इसका एरिया, ई बुक का एरिया तो रेक्टेंगल शेप है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो ये बोर्ड पे बाबू एरिया, एरिया का सिग्निफिकेंस क्या, एरिया का मतलब क्या, तो ये बाबू इसको बोर्ड पे रखो, कितना रीजन घेर रहा, इतना रीजन घेर रहा, इतना रीजन घेर रहा है ना बाबू, इतना रीजन घेर रहा है ना। तो कोई भी बाबू एरिया का मतलब क्या होता है, वो कोई भी बाबू प्लेन फिगर है ना, किसी भी, अरे शैतान इनका भी छोड़ो ना, कोई भी बाबू प्लेन फिगर बाबू कितना रीजन घेर रहा वही क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, एरिया कहलाता है ना, एरिया कहलाता है बस, और कुछ नहीं इसका मतलब होता है, कुछ नहीं मतलब होता है ना। कितना रीजन हुआ बाबू ऑक्यूपाई कर रहा, कितना रीजन को हुआ ऑक्यूपाई कर रहा, घेर रहा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे, है ना, एरिया कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे लाल, एरिया कहेंगे, एरिया कहेंगे। तो बाबू काइट में जो एरिया होता है बाबू कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, डरा दिया गया, हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, एक काइट बनाएंगे, इतना बार काइट बनाएंगे बाबू कि आप लोग को काइट बनाना आ जाएगा, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, आइए डायगोनल दूसरा हो जाएगा। तो एक डायगोनल को अगर डी वन मान लेते बाबू, एक डायगोनल को हमने मान लिया कितना सर, डी वन, ठीक, दो डायगोनल है ना बाबू, हाँ सर दो है सर, दो है सर, एक डायगोनल और है बाबू, एक डायगोनल और है, एक डायगोनल और है बाबू, है ना, एक डायगोनल और है, ये डायगोनल कौन है, डी टू है, ठीक ठीक बाबू। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, कुछ नहीं निकलता, वन बाई टू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट बाबू, है ना। इसका जो एरिया ऑफ काइट हो बाबू, एरिया इसका जो निकलेगा, एरिया ऑफ काइट हम लोग निकालेंगे कितना होगा, वन बाई टू बाबू, है ना बाबू, इंटू कितना, डी वन इंटू डी टू, या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, वन बाई टू इंटू बाबू कितना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, है ना, यही चीज है एलकेजी का, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, ठीक है ना बाबू, डायगोनल का प्रोडक्ट। अब डायगोनल का प्रोडक्ट कहने का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, एरिया जो होगा कितना होगा, वो वन बाई टू इंटू डी वन इंटू डी टू हो जाएगा, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट जो भी ले सकते बाबू, कट रहा है, नहीं नहीं कट रहा, यूनिट बाबू कुछ मीटर सेंटीमीटर, ये तो एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, है ना, स्क्वायर यूनिट होगा। जैसे मीटर ले लो, मान लो यूनिट का मीटर ले लो, तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, है ना। तो सिंपल सा ये काइट का कंसेप्ट था, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना, हम दो चार क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। कालर हो रहे अदित्रे बाबू, भोले भाले, हाँ ये लास्ट है बाबू, सालने सुसाइड कर ले बाबू, जल जाओगे सालने, तो हम क्या करेंगे उसमें बाबू, आपके मेंटल प्रेशर के कारण आके टीचर ने सुसाइड किया, इसीलिए कृपया जुवेनाइल एक्ट, आप लोग अभी 14 ईयर से कम ना हो वो, तो आपको बच्चा वाला जेल में भेजा जाएगा सर। बच्चा वाला जेल जुवेनाइल जेल होता है क्या? हाँ नहीं सर, जुवेनाइल होम होता है सर। क्या होता सर उस जेल में, क्या होता है सर? बच्चे को प्यार से रखा जाता है, कूलर में चॉकलेट दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाएगा तो सर घर से जेल ही अच्छा है। हाँ बाबू, अब तो यहाँ भी तो आप चॉकलेट देते हैं। हाँ बाबू चलो लिखो लिखो, नेक्स्ट बाबू एलकेजी का क्वेश्चन दो चार को कर लेते हैं, एलएलकेजी वाला सब क्वेश्चन बाबू दो चार को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा, फिर सिलेबस लिखाना फिजिक्स का, जो जो जिसका बुक है, जिसके जिसके बुक है सर, हम कल सेंड नहीं कर पाए थे सर। अच्छा मेरे लाल, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, सिंह पब्लिकेशन का मेरा बुक है, लक्ष्मी सिंह सिक्स का बाबू, फिर मेरा गुड लक एट का सर, एट का बाबू, यस सर। अरे बाबू सारा आ जाएगा इनको, यंग क्लास एट, स्कूल में बाबू कोई भी टीचर पढ़ाता है बाबू तो मुश्किल से पांच स्टूडेंट को समझ ही में आता, कि हमको भी पता सारे बच्चे को पता, कि नहीं सी होना
यस सर, आज तो साइंस में कुछ भी नहीं समझ में आया। वह देखो इधर उधर और आज कोई नहीं समझ में आया। बाबू मान लो स्कूल में सारा सर आज लैब में जाकर केमिकल के बारे में बताएं, कुछ नहीं समझ में आया सर। देखो मान लो स्कूल में बाबू मेरा लैब ही नहीं है वैसे बायो का। अच्छा मान लो स्कूल में सब चीज सही से जब पढ़ाई देगा समझ में आई जाएगा, वो तो कोचिंग होम ट्यूशन कैसे चलेगा? तो ये सब बाबू बिजनेस पॉलिसी होता है, ठीक है ना, इसमें सारे मिले जुले होते हैं। मान लो बाबू सब चीज आप जैसा अब हमारी सियोना है होम ट्यूशन पार्टनरशिप किए हुए सर, जैसे हमारी सियोना है तो होम ट्यूशन भी पढ़ रही, तो मान लो स्कूल का चीज अगर उसको समझ ही नहीं जाता तो होम ट्यूशन की जरूरत क्या था कि नहीं सियोना? इसमें आपकी गलती नहीं बाबू, आपको उस तरह से पढ़ाया ही जाता है बाबू, ठीक है ना, उस तरह से पढ़ाया ही जाता है, ठीक है ना। उसमें जो तेज बच्चा रहता है वो समझ लेता है, और जो डल रहता है वो धीरे धीरे और डल हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, मान लो 50-60 को बच्चा, वो तो पर्सनल केयर करना संभव है ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। जो तेज रहता है वो तो समझ ही लेता है, जो डल रहता है वो डल होते होते और कमजोर हो जाता है, तब ना जाकर 10th में वो फेल होता है। सर ज्यादा भी ध्यान भी देते हैं, उसी से सब कुछ पूछते हैं हम, डल कुछ नहीं। हाँ बाबू ये नॉर्मल चीज है बाबू, जो तेज रहता है टीचर का ध्यान उसी पर अट्रैक्टिंग होता है ना, तो इसीलिए तो बाबू कहा गया आप लोग आप लोग को बाबू आगे 11 में पढ़ना है। एक ये कहावत है बाबू, रिचर बिकम्स रिचर, है ना, रिचर बिकम्स रिचर, इसका मतलब समझते हो बाबू? सोना आदित्य आप पुअरर, पुअरर बिकम्स पुअरर, पुअरर है ना, अमीर अमीर होता चल जाता है गरीब गरीब। हाँ वही बात है बाबू, जो तेज रहता है उस पर टीचर और ध्यान देते तेज होते जाता है, जो डल रहता है वो और डल 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 डलर होते चला जाता है। ये नॉर्मल चीज है। अंशुजीत देखो, अंशुजीत का वीडियो बनता है कूट देंगे पकड़ के, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे सारे के यहाँ विजिट करने जाते हैं, सारे पे ध्यान देते हैं, ये सबसे अलग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बहुत सारा स्टूडेंट्स रहता है इसीलिए। हाँ बाबू पर वो तो खैर बहुत सारा रहता, तो वो तो संभव ही नहीं है, संभव है ऐसा बात नहीं कि संभव नहीं, संभव है, टीचर प्रिंसिपल पैसा खर्चा करेगा तब ना, चार गो और बाबू स्टाफ को रख ले कि नहीं, पर्सनली केयर करे, क्यों नहीं संभव है सर? यहाँ पे सर पुअरर भी टीचर बन जाएगा। हाँ बाबू लेकिन ऐसा नहीं ना करेगा, एक स्कूल से दो स्कूल कैसे बनेगा? मान लो सारा पैसा टीचर को देगा तो फिर एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग कैसे बनेगा? पैसा से सर हमारे स्कूल में तो दूसरा बिल्डिंग से तीसरा बिल्डिंग बन रहा है। हाँ वो यही होता, यही होता, आप लोग का करियर मैंने जहन्नुम में जा कि वहाँ बिल्डिंग पे बिल्डिंग बने, एसी कूलर में रहते हैं और हम लोग लाइन करते हैं तो चलाते भी नहीं है जनरेटर। अच्छा ठीक है, अब इसको पहले इसको 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 निकालो, फाइंड द एरिया बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ बाबू काइट, फाइंड द एरिया ऑफ काइट बाबू हुज हुज लॉन्ग, एलकेजी का क्वेश्चन है, हुज लॉन्ग एंड शॉर्ट या लॉन्ग एंड स्मॉल डायगोनल? शॉर्ट ही होता है सर लॉन्ग। अच्छा ठीक है मेरे बाबू, स्मॉल भी सही है, लॉन्ग एंड स्मॉल बाबू, चलो ठीक है शॉर्ट लिख देते हैं, स्मॉल का बिग हो जाएगा सर। लॉन्ग एंड शॉर्ट डायगोनल बाबू आर 22 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताओ बाबू? जानवी शर्मा, आदित्य हमारे सबसे पे, धर्मवीर वीडियो बंद हो गया, शैतान धर्मवीर। 132 सर सेंटीमीटर स्क्वायर सर, 132 स्क्वायर सर, कितना आएगा सोना, कितना आएगा वो, कितना आएगा, कितना आएगा सोना? 2 सेंटीमीटर। एलकेजी का क्वेश्चन है, एलकेजी का क्वेश्चन है, 32 सेंटीमीटर। सानवी, सानवी कैसे 132 सेंटीमीटर स्क्वायर चलो वेरी गुड बाबू। देखो बाबू क्या करो बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ काइट, एक क्या बनाना बाबू, काइट बनाना, एलकेजी का क्वेश्चन है। हाँ बाबू एलकेजी का क्वेश्चन है, ये बना के कितना खुश होती है एलकेजी वाला में, ठीक है, ये काइट है बाबू, है ना बाबू, इसका डायगोनल दिया तो काइट में काइट डायगोनल सर, ये वो होबे करेगा सर, बड़का डायगोनल कौन है सर, 22 है, 22 है 11 to 12 सेंटीमीटर। हाँ बाबू बड़ा वाला डायगोनल कितना लेना, 22 लेना, तो ये बड़ा है बाबू, छोटा वाला डायगोनल कितना लेना बाबू, 12 लेना, छोटा वाला कितना लेना, 12 लेना,
ठीक। तो एरिया ऑफ बाबू, एरिया ऑफ काइट मम्मी क्या पढ़ा है ये अभी बताएं बाबू। 1/2 बाबू डायगोनल का प्रोडक्ट, पहला डायगोनल से और दूसरा डायगोनल। सेंटीमीटर बाबू क्या बोल रहे हैं सुजीत? कुछ नहीं हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वो सत्यम नहीं आया शैतान, एक सत्यम नहीं, उसके यहाँ फोन करना पड़ेगा। एक अस्मिता नहीं है, दो गो दीपक क्लास का भी नहीं करेगा। हाँ बाबू, अब उसका मोबाइल खरीदाएगा तभी वो करेगा बाबू, मोबाइल नहीं आता तो क्या करोगे? करेगा करेगा तो 8:30 बजे वाला में करेगा तो करेगा, 8:30 से 9:30 चलता है उसमें करेगा तो करेगा, तो उसमें अभी बच्चा वाला चीज चल रहा है। नेक्स्ट वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये कौन बताएगा, कौन बताएगा? एरिया ऑफ काइट बाबू बताओ धर्मवीर जल्दी से, एरिया ऑफ काइट बाबू, एरिया ऑफ काइट इज बाबू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये सालनी काहे रो रही बाबू, नहीं नहीं सुसाइड करेंगे बाबू सालनी, नहीं से नहीं रो रही हूं। तो काइट का एरिया कितना होता बताओ सालनी, एरिया ऑफ काइट कितना होगा सालनी? सर 1/2 1/2 नहीं आता अच्छे से नहीं चल रहा आपका भी। हाँ बाबू एरिया ऑफ काइट बाबू इसको बना तो सालने जल्दी से 126 मीटर एंड वन ऑफ इट्स बाबू, वन ऑफ इट्स डायगोनल। सारे बच्चे फेयर कंप्लीट कीजिएगा ठीक है ना बाबू, इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक टाइम मिलेगा तो चेक करेंगे। जो बिहार के लोकल जिसके यहाँ विजिट करने जाते हो तो उसको जरूरत नहीं है। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज बाबू वो कहाँ करेंगे सर? अरे विजिट करने जाते उसके यहाँ नहीं बाबू, जैसे मेरी ये हो गई सानवी हो गई, सालनी हो गई है ना वो, जानवी दास परखार, ये सब का चेक करेंगे मम्मी के थ्रू करवाएंगे। 12 सेंटीमीटर सर। हाँ मेरे ला एरिया ऑफ काइट इतना बाबू, 121 सेंटीमीटर बाबू है ना बाबू, 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ बाबू एंड 1 ऑफ इट्स डायगोनल बाबू 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है ठीक। फाइंड द क्वेश्चन लिखिए। आप लोग थोड़ा तेज हो बाबू, अभी 9 का सिलेबस शुरू करेंगे अगला साल से बाबू। खत्म होगा तो ना वो अगला साल हाफ से ज्यादा लग जाएगा। सर 12 सेंटीमीटर सर। हाँ बाबू डिवाइड करने पर 6 आता है, फिर डबल कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हाँ मेरे लाल लिखो जल्दी से समझाते। जल्दी लिखे। एगो सत्यम नहीं है, एगो सेंटीमीटर। हाँ मेरे ला एगो अस्मिता नहीं है, दूगो सर इतना फॉर्मूला कैसे याद करें सर? कहाँ याद करना बाबू, चार्ट बना के दीवार पे चिपकाना है वही तो फंडा है बाबू। चार्ट बनाइए दीवार पे चिपकाइए बस अपने याद हो जाएगा। कहाँ कौन सा रेफरेंस वाला फॉर्मूला बाबू, एक बार देख लोगे याद हो जाएगा। नो सर सिलेंडर का है सर, स्फीयर का है, पैरेललोग्राम ढेर सर हो गया। अरे याद नहीं करना बाबू, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे समझना है खाली, बस डिराइव करना है, डिराइव करना है। याद करोगे तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। ये काइट है बाबू D1 हो गया, ये डायगोनल कितना हो गया D2 हो गया। ठीक तो एरिया ऑफ डायगोनल मम्मी क्या पढ़ाई है? एरिया दिया हो मेरे लाल, एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ काइट दिया हुआ।
हाँ एरिया ऑफ कार्ड क्या बाबू बोलिए बोलो ना मेरे लाल सर आप वहाँ पे एरिया ऑफ डायगोनल लिखे हाँ अच्छा ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एरिया ऑफ काइट बाबू 120 एरिया कितना दिया सर 126 दिया 1 बाय 2 मल्टीप्लाई डी 1 मल्टीप्लाई 2 डी 2 होगा अरे डी 1 डी 2 दो को वेरिएबल को हम लोग बिना मल्टीप्लाई में भी लिखते हैं मेरे बाबू अलजेब्रा फिर से पढ़ लेना ठीक है ना सर डी 1 डी 2 तो यहां का बिल्डिंग का भी नाम हाँ बाबू एगो एगो डायगोनल दिया हो तो किसी एगो को मान लो बाबू डी वन किसी को मान सकते कोई दिक्कत नहीं वो है ना 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डी टू इसको मल्टीप्लाई करो इधर से है ना बाबू टू से मल्टीप्लाई करो सोल्व करो फिर बताते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से बहुत उल्टा है बाबू आप लोग बाबू एसी में पढ़ रहे हो पानी में पढ़ रहे हो हम गर्मी में सीज रहे हैं बताइए फाइन चलाएंगे तो बोर्ड पे डांस शुरू हो जाएगा सर बोर्ड पे डांस हो जाए अच्छा इसको पहले खत्म करते उसके बाद लाइट है ना बाबू लाइट आता है ना ऊपर से सेलिंग में लाइट लगा हुआ है ना तो दिक्कत होता है साइडो आने लगेगा फैन का साइडो आता है ठीक है कितना दिया हुआ सर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ बराबर कितना सर 1/2 बाबू 21 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई डी टू आप किसी को भाई इसको डी टू मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं किसी एक को मान सकते है ना दो से इधर मल्टीप्लाई करो मेरे लाल डिवाइड में है इधर डिवाइड में तो इधर आएगा तो कितना होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई दो बराबर 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डी टू 21 सेंटीमीटर डी टू के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आएगा डिवाइड में हो जाएगा ये सब तो एलकेजी में बताइए चुके हैं मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई 21 इक्वल टू कितना डी टू इसको सिंप्लीफाई करो ये 21 से 26 सिक्स टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा सीएम है बाबू नीचे पावर एक है ना ऊपर पावर दो है तो पावर दो में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ दो पावर यहाँ एक पावर तो पावर एक घट जाएगा तो सीएम बचेगा तो डी टू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसलिए बाबू सेकेंड जो डायगोनल हो गया कितना 12 सेंटीमीटर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोर्ड का डांस दिखाइए ना अच्छा पहले एक और कर बता देते हैं जल्दी बाबू एक बार देख लिया सर हो गया सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है हाँ बाबू आप लोग का लेवल है ना बाबू आठवां तक बाबू इससे ज्यादा नहीं टफ आएगा ठीक है ना अब ठीक हो गया सर हाँ बाबू स्टक हो गया जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू प्रधान सर हो गया सर समझ में आता है प्रधान यस सर तो अब अपने आपके मैथ का बुक फिनिश हो गया लगभग सारा टॉपिक कवर हुआ कि कुछ कुछ बच गया प्रधान हाँ सर स्क्वायर रूट क्यूब रूट अच्छा अच्छा वो भी हो जाएगा दो तीन महीना बर्दाश्त करो वो भी करिए देंगे सारा कर देंगे आपके साथ करेंगे तो 7 भी हो जाएगा 8 भी हो जाएगा सारा हो जाएगा एक के बार में पढ़ाना ऐसी चाहिए बाबू कि कोई भी एक चैप्टर पढ़ाइए ना तो कोई भी क्लास करे फिनिश हो जाना चाहिए ऐसे सारा सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हिस्ट्री ज्योग्राफी तो क्या बात है बाबू 3 साल में क्लास 10वां खत्म 5वां से स्टार्ट सर क्लास में वो बॉक्स वाला जो करके दिखा रहे थे तन हां लिखो जल्दी लिख लिया सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा जल्दी से कौन करता है देखते हैं किसके पास भगवान दिमाग दिया सारे बच्चे के पास दिमाग है मेरा है ना वो सारे बच्चे मेरे तेज है टैलेंटेड है मल्टीटास्किंग भगवान ने ऐसा दिमाग दिया ही है हाँ बाबू तब ना बाबू आप लोग चौथा पांचवा पढ़ के बाबू आठवां नौवां पे भारी हो
ठीक है ना, 8-9 का स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, नहीं तो स्कूल में जाके देखना 8-9 वाला क्लास में कभी बैठना, कुछ नहीं आता, पूरे डल होता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, वेंदी बाबू, वेंदी बाबू, 89 है सर सब। वेंदा बाबू, डायगोनल बाबू, वेंदा डायगोनल ऑफ ए काइट, कौन करेगा, करो धर्मवीर बाबू जल्दी से, वेंदा डायगोनल ऑफ ए काइट बाबू, है ना काइट बाबू सर, नंबर 3, वेंदा डायगोनल ऑफ ए काइट बाबू, मीट मीट बाबू, दे मेक फोर सेगमेंट, बीथ बाबू, लेंथ फोर मीटर, फाइव मीटर, सिक्स मीटर, फोर मीटर, फाइव मीटर्स एंड फोर मीटर्स। सर हम सुजीत से बैठे हैं, इंटर मांग रहा है ना बाबू, व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट, एमी मीटर का स्पेलिंग बाबू एम ई टी आर ई एस होगा, यहाँ पे एम ई टी आर ई एस होता है मीटर में, ठीक, यहाँ पे बाबू एम ई टी आर ई एस होता है और एम ई टी आर ई एस होता है, इसमें करना क्या है, एरिया व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट, 45 मीटर आएगा, 45 नहीं आएगा मेरे बाबू, व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट, 240 नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल, सर कैसे बनाना है सर, क्वेश्चन पढ़िए समझिए फिर बताते हैं, आपने खुद अटेम्प्ट करो ना, हम बता, हम आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, गलती करोगे खुशी की बात है ना, तो आपको पता चलेगा बाबू कैसे करने से गलत होता है, एक बार अटेम्प्ट करो ना, पीट थोड़ी रहे हैं हम, फिर बताएंगे, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो जब तक बोर्ड साफ करते हैं, सर 60 नहीं मेरे लाल, देखो जिसका कोई नहीं उसका लक्ष्मी, बता दो लक्ष्मी सर, हाँ बोलिए बोलिए जानवीदास, सर 80 आएगा, बोलिए जानवीदास सर 80 आएगा, नहीं बोलो सियोना कौशल जल्दी बताओ बाबू, सानवी वीडियो का 44 सेंटीमीटर हाँ सर, वेरी गुड जानवी, वेरी गुड मेरी जानवी, कैडबरी टॉफी कैसे बनाई जानवी, बाबा बाबा मन खुश कर दे, खुश कर, 4+4 ऐड कर दिया और 6+5 ऐड कर दिया, फिर फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड मेरे लाल, देखो तो मेरी 4 की बच्ची है जानवी दास, समझे बाबू 4 की है, धुआंधार है, चलो अच्छी बात है बाबू, 4 या 5 की है जो भी रहे, है ना, वेरी गुड बाबू, कुछ था बाबू मेरे सालनी, रोना नहीं है सालनी, नहीं बना तो खुशी की बात है बाबू, क्या दिक्कत है, नहीं बना हम बता रहे हैं, क्या कर बाबू, वेन द डायगोनल ऑफ ए काइट बाबू, मीट द बाबू, मीट मीट बाबू है ना, अध्ययन में फोर सेगमेंट मतलब कोई काइट है सर, उसका डायगोनल को मिलाओ सर तो उससे 4 गो सेगमेंट बनता है ना बाबू, 4 गो सेगमेंट बनता है ना, बनाइए पहले वो काइट, सोल्यूशन मेरे ला, ये दूगा स्टूडेंट भागा कौन जी, कूट देंगे पकड़ के सबको, लास्ट लास्ट में भागता है ना, श्रुति ए श्रुति तेज हो जाओगी बाबू, ये बाबू क्या है, काइट है, इसका बाबू डायगोनल तो आपको बताइए रहे, डायगोनल क्या है सर, ये डायगोनल है, ठीक सर ये क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है बाबू, क्वेश्चन समझो, व्हेन द डायगोनल बाबू ऑफ ए काइट बाबू, म्यूट बाबू, दे मेक 4 सेगमेंट, 1, 2, 3, 4, 4 को सेगमेंट बना दिया सर, सही बात है बाबू, है ना, विथ लेंथ, तो लेंथ किसका सर, ई एरिया होगा, लेंथ साइड का लेंथ, साइड का लेंथ है ना, साइड का लेंथ, अब हमेशा ध्यान देना, एगो 6 मीटर है, एगो 4 मीटर है, एगो 5 मीटर है, एगो 4 मीटर है, यहाँ पे ध्यान देना, अब कौन ने 6 होगा, कन्ने 4 होगा, ये आपको सोचना है, ऐसी मत उलझुल कर दोगे तो हो जाएगा गड़बड़,
आपको कौन कौन सा बाबू सेगमेंट दिया हुआ है, समझना समझना, यहाँ पे वो जो पीछे कंसेप्ट होता है वही है, लेंथ ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है, चार चार हो जाएगा और क्या। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया बाबू, ये पॉइंट बी हो गया वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सी हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया डी हो गया, है ना, ये ओ हो गया। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना दिया हुआ, 6 मीटर दिया हुआ, और 4 मीटर दिया हुआ, और 5 मीटर दिया, और कितना दिया, 4 मीटर दिया, दोनों इक्वल होता है। हाँ तो कौन 4-4 मीटर होगा बाबू, देखो यहाँ दो बी ओ और ओडी, बी ओ और ओडी, बी ओ और ओडी, हाँ दो गो पार्ट इक्वल होता है, दो गो पार्ट इक्वल होता है, आपको अभी ना बताया वो प्रॉपर्टी में डायगोनल का, जो छोटका डायगोनल होता है वो बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, यही ना छोटका है, दोनों आपस में बराबर, नहीं तो जैसे तैसे अगर कर दिए ना बाबू, इसको 6 ले लिया इसको 4 ले लिया तो आंसर गलत आ जाएगा, और दुख के बाद ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। चेतन भाग गया गौरव क्या, सर दो दो को ऐड करके उसको फॉर्मूला है ना सर। हाँ बाबू, अरे शैतान ऐसी जिसको ऐड करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ 6 इसको 4 मत लेना, उसी को ऐड करना बाबू, यहाँ देखो 4-4 है तो इक्वल डायगोनल कौन होता है सर, छोटका वाला डायगोनल इक्वल होता है। फिर से बताइए सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे लाल पीछे वाला भी ना प्रॉपर्टी बताए बाबू, ये कोई काइट है बाबू, उसमें डायगोनल डायगोनल है बाबू, 4 सेगमेंट में बांट रहा है ना, 1 2 3 4। अच्छा शैतान शांत रहो, 4 सेगमेंट में बांट रहा है ना, ऊपर वाला 5 मीटर होगा। अरे मेरे लाल सुनो ना, 4 तो यहां पे देखो, देखो बाबू यहां पे दो गो वैल्यू इक्वल है, दो गो वैल्यू इक्वल है, तो कौन सा दो गो वैल्यू इक्वल होगा बाबू, कौन सा दो गो वैल्यू इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है तो ये डायगोनल आपस में इक्वल होता है, ये डायगोनल आपस में क्या होता है इक्वल, छोटा डायगोनल इक्वल होगा है ना, होता है, ये भी 4 ये भी 4 तो बच गया बाबू, बच गया एगो, 6 बच गया एगो, 5 बच गया, अब 6-5 कौन होगा सर, तो ये वाला लेंथ बड़ा नहीं लग रहा बाबू, तो ये 6 मीटर हो जाएगा, अपर वाला लेंथ छोटा है तो ऊपर 5 मीटर हो जाएगा। सर क्वेश्चन में हमेशा दो को सेम ही रहेगा ना। हाँ मेरे लाल दोनों डायगोनल सेम होता है ना बाबू, तो सेम देगा ही देगा मेरे लाल, टेंशन मत लीजिए। तो D1 डायगोनल क्या हो, इसलिए बाबू D1 कितना मान लो, किसी एक को D1 मान लेते बाबू, है ना, छोटका को D1 मान लो, तो D1 कितना हो जाएगा, 4+4 8 मीटर। D2 मेरा बड़ा वाला को D2 मान लो, गौरव आके बाबू चल गया, तीन गो शैतान भागा है, ये हो गया D2। आपने फिजिक्स पढ़ाइएगा ना सर, 40 मिनट मैथ, 40 मिनट फिजिक्स। हाँ बाबू, सर क्या पढ़ाइएगा सर फिजिक्स में, देखो मोशन पढ़ना है आप लोग को, तो मोशन सारे बच्चे को पढ़ा हुआ है बाबू, स्पीड एवरेज स्पीड तक सबको पढ़ना है सर, बैच सी में आधा पढ़ाए थे, हाँ एवरेज स्पीड तक पढ़ा है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा वेलोसिटी डिफाइन करके छोड़ देंगे, एक्सीलरेशन नहीं आप लोग का भी पढ़ना है, एक्सीलरेशन पढ़ना है बाबू। सर मेरे में नहीं दिया, क्लास 8 तक एक्सीलरेशन का नाम निशान नहीं है, वेलोसिटी तक नाम निशान है, डिस्प्लेसमेंट तक नाम निशान है। सर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है सर। हाँ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सारे में एक्सीलरेशन नहीं है, तो जितना है बाबू क्लास 8 तक हम लोग उतना कवर करेंगे। जिसको 9 पढ़ना है बाबू तो वो तो 8 से 9 आएगा, 7.5 से 8.5 आएगा, तो ये क्या हो गया, एरिया हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तीन को कौन कौन भागा मेरे बाबू, संजना फिर कंप्लीट हो गया बाबू, हाँ लिखे लिखे सन्ना, फिर कंप्लीट हो गया, यस सर हो रहा है। DIY सर, बाबू DIY बुक का आप लोग खत्म करना, बुक में बाबू सारा बच्चा बुक का जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर बोल देते हैं, फोटो खींच के भेज देंगे, इसका एक्सरसाइज बना लो प्लेन फिगर का बाबू, एरिया पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर है 19 नंबर चैप्टर, इसको फिनिश करना है, 5 दिन 6 दिन में कर लेना फिनिश, ठीक है ना सर, थोड़ा सा हटिए तो लिखते हैं क्वेश्चन, सारा इसका क्वेश्चन बना लेना, 5 दिन 6 दिन में कर लेना अपना, फिर सॉल्यूशन करवा देंगे कल बाबू, आप लोग का कल आप लोग का फ्रेश टॉपिक शुरू होगा वो, तो जितने भी फ्रेंड है सारे को बुला के ले आना, हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। और प्रखर बाबू, प्रखर बाबू मम्मी को थब, बाय सर, बाय बाय बाबू, समझ में आया बाबू आर्यन,